तो ये जो ध्यान बताया अस्मिता वृत्ति में एकाग्र करने के लिए, इसी प्रकार और भी दो तीन विकल्प दे रहे हैं जिसको अपनाने पर आपके ध्यान प्रक्रिया में और सरलता आएगा और सरल रूप से हो सकता है। ये विषयवदी और ये ज्योतिषमदी, ये दोनों विषयवदी थोड़े बाहर है, सरल है, और ज्योतिषमदी उसके अंदर की बात है। तो विषयवदी सरल इसलिए है कि विषय का ज्ञान हमको प्रतिक्षण होता रहता है और विषय के ज्ञान को ही हम जागृत अवस्था कहते हैं। तो इसलिए ये विषय ज्ञान को पकड़ने में इंद्रियां, मन आदि सभी अभ्यस्त है, खूब अभ्यस्त है, इसलिए उसमें ध्यान करना आसान होता है। तो इसलिए गंधादि विषय को ग्रहण करते समय गंध का धारणा, गंध में धारणा कर सकते हैं, और स्पर्श को लेते समय स्पर्श में धारणा कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्श का अनुभव आपको स्वाभाविक हो रहा है। किंतु अंदर जो अस्मिता वृत्ति में पहुंचने के लिए उसमें और ध्यान करना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे वृत्ति के पूरे प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। हो तो ऐसा ही रहा है, इसमें हम उसको उस वृत्ति को अलग करके विश्लेषण कर जो विषय आदि संबंध में वृत्तियां बनती है इसमें क्या क्या सामग्री रहते हैं, जो जो सामग्री है उनमें एक एक को लेकर के उसमें ध्यान के लिए प्रक्रिया बता रहे, यही इसमें कर रहे, नया नहीं जोड़ा जा रहा। इसलिए जो अन्य दर्शन में कहते हैं तो इस विषय में जो भी कहता हो वो भी इसमें आ जाता है, क्योंकि प्रक्रिया ही यहाँ बताई जा रही है, अनुभव आपको पहले से हो रहा, विषय का अनुभव सबको है, तो उसी को लेके उसके अंदर क्या क्या मिला है उसको विवेचन कर रहा। तो कहा कि और एक प्रकार से भी ध्यान हो सकता है, यदि आप वैराग्य साधन करते हैं, अभ्यास वैराग्य अभ्याम ये साधन करते हैं, तो जो पहले विरक्त हुए हैं उनके वैराग्य को ध्यान में करेंगे कि उनकी कैसे वैराग्य रहा होगा, उस वैराग्य का चिंतन यदि आप करेंगे तो भी चित्त उसमें शांत हो जाएगा। इस वैराग्य चिंतन में सारे विषयों का त्याग और सब प्रक्रियाओं का त्याग भी हो जाना चाहिए। तो जो पहले सिद्ध महात्मा हुए हैं जिन्होंने वैराग्य के बारे में कहा और जिनके जीवन वैराग्य सहित रहा, तो उनके मन कैसा रहा होगा, उनके मन की शांतता, उनके मन एकाग्र कैसे रहे होंगे, इस प्रकार के वैराग्य भावना पर ध्यान देना। और ये वैराग्य भावना को पहले ठीक से समझना पड़ेगा, हमारे अंदर भी सभी के अंदर भी एक एक तरह के वैराग्य रहते हैं। जो व्यवहार में सामान्य जीवन चला रहे हैं उनका भी कुछ न कुछ प्रकार से वैराग्य रहता है। वो वैराग्य का मतलब किसी समय किसी विषय का त्याग करना, विषय को त्याग करके दूसरे प्रवृत्ति में चले जाना, ये सामान्य एक बुद्धि का है। हम उसमें कुछ प्रकार निश्चय करके इस प्रकार का वैराग्य जो हो गया उसको हम साधक संत इत्यादि कहते हैं। इसलिए वैराग्य सबको होता है, केवल मनुष्य को भी नहीं जीवों को भी होता है, किंतु तत्त्व विषय के संबंध में तात्कालिक होता है, वो उतने ही वैराग्य होते हैं। तो विषय को विषय से विरक्त होना इतने मात्र अंश वैराग्य का है। तो जो श्रेष्ठ वैराग्य हुए हैं उनके मन कैसे रहेगा ये चिंतन, और उसके अनुसार आप उसी में भावना करेंगे तो आपके अंदर भी ऐसे वैराग्य की भावना, ऐसे वैराग्य की वृत्ति पहुंचेगी। तो उसको धीरे धीरे समझते जाएंगे तो उसकी पराकाष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है। तो अन्य के भावना में अपने विषय में करते हैं, अब ये आप पूछेंगे दूसरे की भावना हम कैसे समझ सकते। आपने जीवन में बचपन से जितना कुछ अपनाया है आप सोचते हैं ये सब मैंने किया ऐसा किया है, ऐसे सोचते हैं, किंतु आपने किया नहीं, बहुत सारे चीज जो आप प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर चुके हैं, ये सारे दूसरे के अनुकरण करके ही प्राप्त किए।
बहुत कुछ आपने दूसरे का अनुकरण किया। तो यह अनुकरण करने के लिए आपको सिखाया नहीं है, आप करके ऐसा किया है। आपके जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, जीने की जो सामान्य प्रक्रिया है, ये सब आप माता पिता से, आपके समाज से आपने सीखा। कैसा बैठना, कैसा चलना, कैसे बात करना, कैसे अंग भाव दिखाना, ये सब क्या सीखा आपने? सारे आप दूसरे को देख करके ही सीखा, किंतु आप अभी मानेंगे नहीं ऐसा सीखा है करके, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, किंतु होता ऐसा ही। इसलिए श्रेष्ठ साधकों के जीवन अध्ययन करने पर भी उसमें से कुछ अंश हमारे मन में स्वाभाविक आ जाता है, उसका छाप पड़ जाता है, और फिर कई लोग उसी के अनुसार ही जीने के प्रयास करते। तो यहाँ बिना जाने एक प्रकार का अनुकरण होता है और जानता हुआ एक प्रकार का अनुकरण होता है। यहाँ शारीरिक अनुकरण को नहीं कह रहे, शारीरिक अनुकरण भी कुछ हद तक काम आता है, किंतु यहाँ बुद्धि की जो, मन के जो स्थिति है, उनकी वृत्ति की जो स्थिति है, उसका चिंतन के लिए बोल रहे हैं। तो उसका चिंतन आप करेंगे, उसका भाव आपके मन में आ सकता है, तो मन में वो स्थिति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जो मन उसके पास है वैसा ही मन, ऐसे ही मन की क्षमता आपके पास भी है। वासना के अनुसार, कर्म के अनुसार थोड़ा अंदर पड़ेगा, किंतु वो क्षमता को आप उत्पन्न कर सकते हैं। इसका क्या लक्षण है? क्योंकि वो भी वैरागी है, आप भी वैरागी, इसमें इन दोनों में वो वैरागी है तो आप वैरागी है, तो ये वैरागी होने की वासना का कुछ अंश आप में है, नहीं तो आप वैरागी नहीं हो सकते। आप कहते हैं उनके जैसे वैरागी हम नहीं है, बात सही है, किंतु वैराग्यत्व आपके अंदर भी है, उसके अंदर भी। ये हमने पहले कहा था, ये आपके वासना में, संस्कार में यदि नहीं है तो आपके अंदर वैराग्य तो नहीं आ सकता। तो थोड़ा कम है तो उसको बढ़ाया जा सकता है, यदि बिल्कुल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। तो बढ़ाया जाने की प्रक्रिया से यह मन को आप शांत कर सकते। इसकी बहुत परीक्षाएं वैज्ञानिकों ने करके देखा है और इसमें बिल्कुल उन्होंने सही पाया है। कई लोगों को अपनी इस प्रकार के भावना को मन में दे करके, वो समझा करके, फिर उस प्रकार से आचरण करा के देखने पर उनके अंदर विशेष गुण, उसी संबंध में विशेष गुण उत्पन्न हो गया। ऐसे बहुत साल से इसके रिसर्च चल रहे हैं और कामयाबी भी हो रहे हैं, ये संभव है। और होता ये है कि हमारे मन में ऐसे ही व्यवहार से हम करते हैं, दूसरे का अनुकरण हम करते हैं, करके उस भावना को लेने के प्रयास करते हैं, और ज़्यादा बाह्य करते हैं, क्योंकि बाह्य करना आसान होता है, आंतरिक बात को करना कठिन होता है। तो इस प्रकार के भावना को ये बोल रहे हैं। यहाँ वैराग्य की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैराग्य हमारे लिए यहाँ चाहिए। इस प्रकार के कोई भी बात पर किया जा सकता है, केवल वैराग्य की बात ही नहीं है, कोई भी बात पर किया जा सकता है। किसी वैज्ञानिकों का हमने पढ़ा था कि वो रशिया के कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बच्ची को, जिसके अंदर कुछ चित्रकला की भावना थी, चित्रकला चित्र बनाती थी, ऐसे एक बच्ची को कुछ समय ट्रेनिंग दिया और बहुत पहले का एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार का चित्र दिखा करके उनके मन के बातों को इनको समझाया। ये हिप्नोटिज्म नहीं है, हिप्नोटिज्म एक अलग चीज़ है, उसको नहीं बोल रहे। समझाया, समझा करके ऐसे ऐसी भावना करने के लिए कहा, तुम तो वही है ऐसी भावना करो कहा। तो वही है करके भावना करते करते उस बच्ची में एक विलक्षण चित्रकला की प्राप्ति हो गई और कुछ साल तक वो बराबर बनी रही जब तक वो समझती थी। तो उसके सारे जीवन घटना को उन्होंने सुनाया, पढ़ सुनाया, और कैसे गांव में रहते थे, कैसे कैसे आचरण करते थे, इस प्रकार सारे बिताया, ऐसे भावना उनको करा दिया गया। तब जो है उसकी भावना से उसकी चित्रकला में बहुत उन्नति आ गई, ये देखा गया। इस प्रकार से कई परीक्षण हो रखे, उससे ये प्राप्त है कि मन दूसरे का इसमें ले सकता है, यदि उसके अंदर वो कला है तो, उसके अंदर यदि वासना है तो उसका प्रगति हो सकती है। इसको लेकर के आगे एक सूत्र आएगा,
ये प्रतिभान के बारे में, प्रतिभा के बारे में एक सूत्र अपने आप आने वाला है कि कोई भी आपके इंद्रिय में जो शक्ति है उसके परम काष्ठा कैसे प्राप्त हो सकती है, मन में जो शक्ति है उसको उच्च स्तर में कहाँ कैसे ले जाया जा सकता है, इसके लिए प्रक्रिया आगे बताएंगे जो सिद्धियों के बारे में बताए। यही सब सिद्धियाँ होते हैं जिसको आप सिद्धि कहते हैं कि आप किसी देवता के ऊपर ध्यान करके भी यही भावना करते हैं, वो देवता का अपने में आवेश करते हैं, तो ये एक वास्तविक स्थिति में होता है। ऐसे ही वैराग्यों के बारे में कह रहे हैं। इसलिए साधक होने से अच्छा है अपने कमरे में चारों तरफ ऐसे विरक्त महात्माओं के चित्र और वो विरक्त भाव में बैठे हुए चित्र रखें और उस पर उनकी भावना करते देख करके उनको आप भावना करें तो होता है। और बुद्धिस्ट लोग तो इसको करते हैं, वो लोग जो है बुद्ध की मूर्ति को सामने रखते हैं, बुद्ध की मूर्ति सामने रखने का काम वही है, बाकी पूजा पाठ में उतना नहीं है उनका, है तो वो भी करते हैं किंतु बुद्ध की मूर्ति को सामने रख करके ऐसे ही भावना करने के लिए बोलते हो, बुद्ध में जैसे शांतता है, जैसे भाव वो चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है ऐसी भावना आप भी करो, ऐसा करके वो जैसे हमारे वितर्क आदि भावना, वितर्क आदि संप्रज्ञा के लिए जो उपयोगी है ऐसे करते हैं, वो समापत्ति करते हैं, वो समापत्ति के विषय में वो भी बताएंगे। तो इस प्रकार के प्रयोजन हमको सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसा एक भावना यहाँ बताया जा रहा है जो हमारे साधकों के लिए हितकर है। वीदराग विषयं वा चित्तम्, वीदराग विषयं वा चित्तम्, वीदराग विषयं वा चित्तम्, वीदराग विषयं वा चित्तम्। वीदराग चित्त को आलंबन लेकर के भी आप एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। पहले जिस स्थिति पद के बारे में कहा उस स्थिति पद को चित्त प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल चित्त शांत हो जाएगा, क्योंकि मुक्त पुरुष का स्वरूप के बारे में आप चिंतन कर रहे हैं और उसकी एकाग्रता के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो ऐसी भावना आपके अंदर पैदा हो जाएगी और वो भावना आपके मन को एकाग्र करने में मदद कर सकता है। इसके लिए कहा वीदराग विषय, वीदरागस्य विषयम, वीदराग को ही विषय करके जो ध्यान करेंगे तो उसमें मनसः स्थिति निबंधिनी, ये पहले से संबंध करना, मन को स्थिति में बनाने वाला होता है, इस प्रकार से होगा। यहाँ वैसा तो मन शब्द का प्रयोग सूत्रकार भी नहीं करते हैं और भाष्यकार भी अनुवृत्ति नहीं बताते, क्योंकि यहाँ विषय इंद्रिय सन्निकर्ष वाला नहीं है, यहाँ विषय चिंतनात्मक भावनात्मक है, इसलिए मन का यहाँ ज़्यादा काम नहीं होने से उन्होंने अनुवृत्ति नहीं किया। तो भी हमें समझने के लिए अभी सामान्य रूप से कह सकते हैं इस प्रकार की भावना करें, क्योंकि हम जिसको समझ बैठे हैं अभी हमारे पास कुल मिला के मन ही है, मन को ही हम ज़्यादा जानते हैं और किसी चीज़ को जानते नहीं। तो इसीलिए बुद्धि कहो और वृत्ति कहो या प्रमाण कहो कुछ भी कहो, आप उसको मन से ही समझेंगे। इसीलिए यद्यपि इसमें भेद है तो भी वो प्रक्रिया में भेद ध्यान में रखना पड़ेगा और समझने के लिए सामान्य मन वृत्ति को एक ही समझते हैं, उसी से काम चला रहे हैं, इसलिए उसी को ही लेना पड़ेगा, दूसरा बोलने पर एकदम पकड़ नहीं पाएंगे, ऊपर से चला जाएगा ये क्या बताएं, अब ये कि मन को इतना सब भेद कर दिया तो कहाँ से किसको पकड़ेंगे, ये समझना मुश्किल होता है सामान्य में। इसीलिए यद्यपि उन्होंने नहीं किया, उनको नहीं करने का बिल्कुल कारण सही है, पहले वाला तो विषय के संबंध में गया था, इसलिए विषय संबंध सन्निकर्ष से ही मन का काम होता है, यहाँ आप भावना मात्र कर रहे हैं उसके विषय सन्निकर्ष नहीं कर रहे, तो भावना कर रहे हैं उनके मन कैसा रहा होगा, वो किस प्रकार के वैराग्य को लेकर के इस स्थिति में शांत बैठा है, ऐसे आप चिंतन कर रहे हैं तो आपके चित्त भी वहाँ पहुँचाए। ये सब अभ्यास से होता है, ये सब उसी के आधार पर चल रहा है, अभ्यास वैराग्य अभ्याम से ही चल रहा है, ये सबके लिए अभ्यास चाहिए, उसके बिना नहीं होगा, अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार के विचार आ जाए। स्वप्न निद्रालंबनम् वा, स्वप्न निद्रालंबनम् वा, स्वप्न निद्रालंबनम् वा, स्वप्न ज्ञान निद्रा ज्ञान को आलंबन बना करके भी आप मन को एकाग्र कर सकते। अब बोलते हैं कि हम कैसे समझेंगे कोई महात्मा का मन कैसा है, इसका समझना तो बड़ा कठिन है, ये क्या करें, तो बोला वो भी छोड़ो, अगर वो नहीं होता तो वो भी छोड़ दो, क्या करो, स्वप्न तो देखते हो,
स्वप्न ज्ञान को आलंबन बनाओ और निद्रा ज्ञान को आलंबन बनाओ। ये जो है निद्रा और स्वप्न, ऐसे दो चीज हमारे पास अलौकिक प्राप्त है। ये अलौकिक इसलिए है कि हमारे काबू से ये बाहर काम करते, हमारे काबू में नहीं रहते, ये अधीन्द्रिय होता है। स्वप्न में आप जो स्वप्न देखना चाहें वो स्वप्न नहीं आ सकता, जो स्वप्न अपने आप आएगा उसको देखना पड़ेगा। निद्रा कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आप बढ़िया नींद चाहते हैं तो भी वो नींद को बनाना, नींद में पहुंचना, इसके लिए कुछ उपाय कर सकता है, लेकिन नींद को बनाना आपके पहुंच में नहीं है, नींद को आप बना नहीं सकते। इसीलिए ये दोनों अतीन्द्रिय है और यहाँ दोनों में मन ही काम करता है। मन स्वाभाविक रूप से लेकर के आपको स्वप्न में जाता है और फिर आपको लेके निद्रा में जाता है। तो यदि आप अभ्यास करके ये स्वप्न और निद्रा को दोनों को अपने वश में कर सकते हैं, अपने मन के अवधान में ला सकते हैं, तो बहुत कुछ फायदा होगा। फायदा ये होगा कि आप मन के गहराई तक पहुंचने में समर्थ हो जाएंगे। मन गहराई में कैसे काम करता है इसको जानने में आपको सामर्थ्य मिलेगा। इससे सबसे पहले फायदा ये होगा कि बाह्य विषयों से, विषय संपर्क से जागृत काल में कैसा अलग होना चाहिए ये आपको मालूम पड़ेगा। इसके विषय में मांडुके कारिकाकार ने भी कहा कि स्वप्न का चिंतन करने से या निद्रा का चिंतन करने से सबसे पहले फायदा यही होता है कि जागृत अवस्था में रहते हुए ही जागृत अवस्था से मन को हटाने का अभ्यास आपको हो जाए, क्योंकि स्वप्न की स्मृति आपको है और स्वप्न का अनुभव करने वाला भी आप है, उसका सुख दुख क्या होता है आप जानता है, कैसे कैसे होता है ये भी आप जानता है, और वो स्वप्नीय मन और ये जागृतीय मन दोनों में क्या भेद है ये भी आपको कुछ हद तक भान है। इसीलिए आप जागृत अवस्था में रहते हुए विषय संपर्क को करते हुए भी स्वप्नीय मन को यदि आप स्मृति में लाते हैं तो आप विषय से, विषय के जो आसक्ति है, उसके जो गाढ़ संबंध है, उससे आप अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपके स्मृति उससे, जो विषय संपर्क है उससे अलग करने में मदद करे। तो ये जो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में दोनों का भेद का भान हमको होने से वो स्वप्न का जो स्मरण है या ज्ञान शब्द से उसका स्मरण लेना, स्वप्न संबंधी जो स्मरण, वो हम अपने मन को अलग करने में मददगार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसी को लेकर स्वप्न का दृष्टांत कहते हैं और इसको लेकर के जो वेदांत आदि में और अन्य दर्शनों में स्वप्न को लेकर के इस प्रकार से विचार किया है। ये सबसे पहले फायदा यही है, इसको पहले समझना पड़ेगा कि स्वप्न का काम कैसे हो रहा है और जागृत का काम कैसे हो रहा है, और जागृत अवस्था में हम स्वप्न का स्मरण करने से क्या स्थिति पैदा होती है। इसके लिए एक और उदाहरण ये है कि कभी कभी आप जागृत अवस्था में बैठे हुए ही कुछ कल्पना करके बैठते हैं, मतलब दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं, तो दिवा स्वप्न करके बैठा हुआ व्यक्ति है उसको जागृत कालीन विषयों से संपर्क टूट जाता है, वो कुछ और ही स्तर पे होते, आसपास में जो कुछ चलता है उसको पता नहीं चलता क्या हो गया, उन्होंने इंद्रिय संपर्क छोड़ दिया, वो दिवा स्वप्न में मन स्वप्नकालीन काल्पनिक मन में बैठा हुआ है। तो वो सबको बराबर नहीं होता है, किसी किसी को अलग होता है और किसी के होते समय भी उसमें किसी को ज्यादा उसमें पक्का ज्ञान रहता है, मतलब पक्का वो अलग हो जाता है, कोई कोई इतना नहीं हो पाता, आधा उसको ज्ञान भी रहता है, इसीलिए उसको दृष्टांत नहीं लिया। यद्यपि दिवा स्वप्न इसके लिए अच्छा दृष्टांत है, जागृत में रहते हुए आप अपने मन को हटा रहे हैं विषयों से, वो कैसे हो रहा है आपने को भी सोचा क्यों ऐसा होता है,
क्योंकि जिस विषय के बारे में आप सोच रहे हैं उस विषय के साथ आपके तल्लीनता हो गई, वृत्ति सारूप्य हो गया। तस्थ तदंजनता आगे बताएंगे, वो उस विषय में आप स्थित हो गया और उस विषय के साथ आपका मन आकारित हो गया, आपकी वृत्ति आकारित हो गई। अब वो जो आकारित हो गया वो मन दूसरे विषयों से संपर्क करने में समर्थ नहीं रहा, बिल्कुल अलग हो गया, इंद्रिय संपर्क नहीं कर रहा, नहीं करने के कारण आपको इंद्रिय विषयों का ज्ञान नहीं। अब समझ में आ रहा है क्या है? इसी प्रकार स्वप्न का भी है, स्वप्न भी आपको अनुभव में है, तो उस अनुभव को यदि जागृत अवस्था में लाएंगे, उस अनुभव की स्मृति को, उस समय स्वप्न में मन कैसा रहता है उसको यदि जागृत अवस्था में आप चिंतन करेंगे साधन काल में, तो मन विषयों से हट सकता है, मन को ऐसे शिफ्ट करने में, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के आपको अभ्यास हो जाए। ये स्वप्न ज्ञान के विषय। और इसी प्रकार निद्रा ज्ञान, निद्रा की भी स्मृति होती है, पहले कहा अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, तो निद्रा की भी स्मृति रहती है, तो उस स्मृति को भी आप जागृत में ला सकते। तो निद्रा में कुछ भी नहीं रहता है, निद्रा में हमने कुछ भी नहीं जाना और फिर भी मैं वहां था, ऐसे ऐसी जो भावना और वो उस समय जो स्थिति आपको अनुभव में स्मरण में है उसको अभी जागृत काल में चिंतन कर सकते, ये भी बहुत आसान तरीका है, इससे आपका मन उस स्थिति में पहुंच सकता है, वृत्ति से ये जो बाहर विषय से अलग हो सकता है। क्योंकि जिसको आपने अनुभव किया, जिसको जाना, उसी पर एकाग्र करना आसान होता है, उसी पर ही आप मन को एकाग्र कर सकते। एक बात ध्यान रखिए, आपने किसी विषय का श्रवण किया, इतना सारा लक्षण सुना ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में सबको किया, ये इन किसी पर आपका मन एकाग्र नहीं कर सकते, सच्चाई ये, क्योंकि इनका ये तो एक का अधिंद्रिय है, ये इंद्रियों के साथ इनका ज्ञान नहीं होता है, अभी आपको इनका अनुभव नहीं है न भी, तो क्या कर सकते आप सारा लक्षणों को, इधर का उधर का लक्षण का, कभी इस लक्षण को कभी उस लक्षण को कभी ऐसा वैसा चिंतन करते रहे, इनके हिसाब से वो एकाग्रता है ही नहीं। इन्होंने पहले कहा था कोई भी विषय में नाम आदि संबंध कोई भी रहेगा तो वो एक तत्व अभ्यास नहीं होगा, एक तत्व का ध्यान नहीं होगा। इसीलिए हम यद्यपि कहते हैं एकाग्र करो, मनन करने के लिए ठीक है, मनन जो शब्द है ठीक है, क्योंकि आगे पीछे का युक्ति प्रत्युक्ति लगा करके आप उसको समझने का प्रयास कर, किंतु एकाग्र करना ईश्वर में एकाग्र नहीं कर सकते, ईश्वर को एकाग्रता का विषय नहीं बना सकता। इसीलिए उन्होंने तद्जप तदर्थ भावन में ओंकार को रखा, क्योंकि अलौकिक विषय है, उसका ज्ञान ही आपको नहीं है, वो कैसे आप करेंगे। तो भावना जब ईश्वर का या जो सूक्ष्म तत्व अधिंद्रिय तत्व आत्मा ब्रह्म आदि जिसको भी बोलते हैं उसके यदि भावना आपको करने के लिए बोला तो बहुत सारे लक्षण दिया जाता, अब लक्षण दिया तो इनका काम हो गया, फिर काम नहीं है, क्योंकि लक्षण में शब्द आ गया, फिर लक्षण का शब्द का अर्थ आ गया, फिर इन शब्द का अर्थ को सारे मिला करके एक विषय में सब समेट करके उसमें से क्या निकालना है सारे निकाल करके सब तैयार करेंगे, तब फिर वहाँ एकाग्रता हो सकती है। अब इतना करते करते सबका आपका काम ही बिगड़ जाता, नहीं हो पाता। इसीलिए तत्व ज्ञान जो आपको पहले से अनुभव है, ये प्रैक्टिकल बातें बोलते, ये ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप ऐसे करो इससे हो जाएगा, उनको किस में कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आपके मन को उसमें किसी भी विषय में स्थिर बना के रखने से इनका तात्पर्य। अब एक बार किसी भी विषय में स्थिर बनने वाला मन हो गया तो आप किसी भी विषय में कितने भी अधीन्द्रिय विषय में लगा दो, कहीं भी लगाओ मन वहां टिक जाएगा, यदि नहीं हुआ तो कहीं टिकने वाला नहीं। इसलिए स्थूल में करके ही आपको अभ्यास कराना पड़ेगा मन में, मन को सूक्ष्म में रखने के लिए, ये इनका अभिप्राय है। इसीलिए स्वप्न का और निद्रा का ज्ञान हमको है, होने से उसको चिंतन कर सकते हैं, वो चिंतन करते ही वो भावना वो अनुभूति वो स्थिति में हमारा जो भी भाव था वो सब वहां उपस्थित हो जाए, उपस्थित होने पर मन वहां एकाग्र हो सकता है। अब रही बात इसका दूसरा भी अर्थ करते हैं,
कोई कोई कहते हैं कि स्वप्न में जो देवता आदि का रूप का दर्शन आपने किया उसको यहाँ स्मरण करो, ऐसा कहते हैं कोई कोई व्याख्याकार स्वप्न ज्ञान के लिए इस प्रकार कहते हैं। स्वप्न में कोई देवता को देखा उसका स्मरण करो, किसी भी चीज का देखा उसको स्मरण करो, ये सामान्य बात है, इस बात को नहीं कह रहे। स्वप्न में जो देवता आदि का दर्शन किया उसको आप अभी स्मरण करने से भी और बाह्य देवता के रूप के लेकर के जो स्मरण करने पर भी एक ही होता, इसमें कोई अंदर नहीं, ये तो अंदर करना चाहते हैं बाह्य विषय ज्ञान से और स्वप्न विषय ज्ञान में अंदर करना चाहते हैं, तो अंदर तो उस प्रकार नहीं हो सकता, खाली देवता आदि का रूप देख लिया नहीं होता। और दूसरी बात यह है स्वप्न में जिस देवता को आपने देखा उसका स्पष्ट भी नहीं रहता, स्पष्ट नहीं रहता देवता का कोई ऐसा रूप होता है किसका कोई कुछ किसका कुछ सब मिलाकर वो एक रूप होता है, स्पष्ट नहीं रहता। तो स्वप्नीय पदार्थ वस्तुओं को ध्यान करने की बात यहाँ इतनी ठीक नहीं लग रही है। स्वप्न में जैसा मन होता है उस मन को आप स्मरण कर सकते हैं, ये हो संभव है, इसके स्मृति को स्मरण कर। इसलिए ज्ञान शब्द में आने के कारण कई लोगों के यहाँ भ्रम हो गया, तो स्वप्न में जो देवता का ज्ञान हो गया उसको हो गया, इसलिए कई बोलते हैं कि निद्रा में तो क्या ज्ञान है उसको क्या स्मरण करेंगे, तो वहां फिर अभाव प्रत्यय को स्मरण करना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। किंतु इससे सरल ये है कि स्वप्न में मन जैसे स्थिति में रहता है और निद्रा में जो अनुभव आपको हो गया उसका स्मरण करने पर प्रैक्टिकली ये सही होता है और तुरंत मन उसको ध्यान करके उसमें बैठ जाएंगे, ये अभ्यास इसका फल है। अब मन को स्वप्न और निद्रा को नियंत्रण करके आप अपने काबू में स्वप्न और निद्रा को ला सकते हैं। पहले हमने कहा था स्वाभाविक रूप से स्वप्न और निद्रा हमारे काबू में नहीं होती, किंतु काबू में किया जा सकता है अभ्यास के द्वारा। आपको हम एक दिन बीच में बताया था किस प्रकार सोना है, तो सो पहले वहां से लेके शुरू करना पड़ेगा, और उसके पहले ये भी चाहिए आपका दिन भर का आहार विहार क्रम में होना चाहिए। हमारे यहाँ सारे साधन में क्रम के और समय प्रतिबद्धता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये क्रम और समय प्रतिबद्धता मन को उसी प्रकार काम करने में प्रेरित करे। जैसे घड़ी चलता है, घड़ी ऐसे एक एक पल पर जैसे बदलती रहती है वैसे घड़ी में वो बदलाव होता ही रहता है, उस उतना ही समय पर वो बदलेगी, यदि आगे पीछे बदलेगी तो काम चलेगा नहीं। इसी प्रकार आप सुबह से लेके दिन भर में कैसा भोजन करते हैं, कैसे आप विहार करते हैं, कैसे आपके समय आप उपयोग करते हैं, कैसे मन को कहाँ काम में लगाते हैं, इस प्रकार सारे आप संयमित करने पर रात में शाम को जो भोजन आदि होता है उसका भी कुछ असर होता है निद्रा पर। तो ये सब को बराबर जो आवश्यकता अनुसार भोजन करें और अधिक गरिष्ठ भोजन ना करें और सोने के पहले भोजन पच जाए इतने पहले भोजन हो जाना चाहिए और कभी भी आधी रात में इत्यादि भोजन नहीं करना चाहिए, वो सब भोगा सक हो जाएगा, वो उसमें मन काम नहीं करेगा और वो उसके शरीर का जो है टाइमिंग पूरा बदल जाए। इसलिए सब करके जिस मन को जिस शरीर को आपने सोने के लिए तैयार किया उस शरीर को लिटाते समय भी जो सोने के पहले आप कैसे सोने जा रहे हैं इसका भी महत्व रखता है। कोई किसी से बातचीत करके झगड़ा करके कुछ करके आप सोने के लिए जाएंगे तब भी उसका असर नींद में पड़ेगा, चाहे शांत वातावरण हो और आप सीधा लेट जाए, तो सीधा लेटने पर ये मन तुरंत काम बंद कर देता है और विश्राम रीढ़ के हड्डी को देता है। ये इसीलिए हम सीधा लेटने की बात कह रहे हैं, शास्त्र में यह हम नहीं कह रहे हैं, आयुर्वेद आदि सभी शास्त्र योगी सब लोग कहते हैं और जैसा जो भी साधन अपनाते हैं सबसे पहले ये कहते हैं कि आप सीधा लेटने का अभ्यास करें। आप करके देखना, सीधा लेट के देखना, पहले पहले आपको मुश्किल पड़ेगा क्योंकि आपको आदत नहीं है सीधा लेटने का, तो सीधा लेटेंगे तो तुरंत मन अपना माने ये जो काम करना चाहिए उसको लेटते समय उसका है लेट के हड्डी
को लेकर के विश्राम देना, दिमाग को विश्राम देना, सब विश्राम हो जाए। तो उसमें तकिया कम करते हुए, तकिया की जो ऊंचाई है कम करते हुए आप अभ्यास करिए, तब देखना निश्चित समय पर वो मन जाएगा और निश्चित समय पर उठेगा, क्योंकि उसको उससे विश्राम देने से मतलब है। उस समय आप उल्टा पुल्टा लेटा और उसको आगे पीछे नहीं कर पाए, तो शरीर को जो विश्राम पूरा देना चाहिए था वो नहीं दे पाया, तब तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। इसलिए नींद नहीं पूरी होने का ये सब कारण होता है। इसलिए सीधा लेटने पर आपके मन को आप आदेश दे सकते, इतना घंटा करो, ये आदेश पहले आप दे सकते। ये देने पर उसी आदेश पर काम करता है, वो बिल्कुल अलार्म का काम करेगा। और उसका अभ्यास ऐसा है, हम लोग पहले छोटे बचपन में भी स्कूल में भी ऐसे किसी ने सिखाया था तब करते, कि अलार्म की जरूरत नहीं है। सोने के पहले आप कोई एक वस्तु पर 5 मिनट तक एकाग्र करो, मन को बिल्कुल एकाग्र करना, वो बाहर विषय हो अंदर विषय हो जैसा भी है कहीं भी एकाग्र करके ये आप निश्चय कर लेना कि हमें 4 बजे उठना है। ऐसे मन को अलार्म लगा देना और इस प्रकार से लेट जाना, क्योंकि अलार्म आप मन को लगाने के बाद भी आप गलत फलत लेटेंगे तो फिर मन उठेगा नहीं, क्योंकि मन का काम तो उसको वो पूरा करना है, वो पूरा नहीं हुआ तो फिर वो जगने में आपको तकलीफ हो। यदि इस प्रकार से नियमित रूप से आपने किया तो जरूर उस प्रकार का विश्राम हो जाएगा और विश्राम से मन उठेगा। अब यहाँ आप मन को जैसा आपने इस प्रकार आदेश करके देखा, ये आपके अनुभव में बहुत समय जरूरत नहीं, 4-5 दिन करो तो आपके अनुभव में आराम से आ जाएगा। उसके बाद ये जो विचार है, जो आत्म संबंधी विचार, एकाग्रता के विचार, कोई भी सात्विक विचार, उसको आप मन को दे सकते। तो जैसा वो घड़ी की बात है वैसे ही मन इस आदेश को भी निद्रा में स्वप्न में पालन करता रहे, क्योंकि वो एक प्रकार के शांत अवस्था में सोता हुआ उसको शांतता आपको स्वप्न में भी दिखाएंगे और वही शांतता आपको निद्रा में भी ले जाएंगे, और उठने के बाद भी जिस वृत्ति को आपने छोड़ा वो वृत्ति ही फिर आ जाएगी। ये प्रक्रिया सरल है और सभी लोग कर सकते हैं और इसका असर भी होता है, और ऐसे सोते वक्त भी वो ठीक है और जागते वक्त भी वही है, तो आपके दिन भर में भी वो जो भाव है, वो जो अवस्था है मन के, वो चलते रहे यदि अधिक विक्षेप नहीं आया तो। इसी प्रकार आपका कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सॉल्यूशन है, इसका भी ये निद्रा और स्वप्न को आप उपयोग कर सकते, क्योंकि जागृत अवस्था में जितना हमारे मन अपने अंदर गहराई में नहीं जाता उससे कई गुना अधिक गहराई में स्वप्न और निद्रा में जाता है, ये हमने पहले कहा शुरू। इसीलिए आपका कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको पता नहीं चल रहा, तो इस प्रकार मन को शांत करिए सोने के पहले और इतना मन को समझा दीजिए कि इसका मुझे कोई सॉल्यूशन चाहिए। कभी एक दिन करने से नहीं होता है, 2-3 दिन भी करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम के हिसाब से रहता है। यदि वो उस प्रॉब्लम में आपके संबंध में कोई सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है जिसका कोई सॉल्यूशन आपके संबंध में नहीं है, आप पूरा इसको भारत को उद्धार करना चाहते हैं, ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आपके संबंध में कोई सॉल्यूशन आ सकते हैं तो आप जरूर अनुभव करेंगे, सुबह आपको उसका उत्तर मिलेगा, इस प्रकार करो मिलेगा। ये बहुत अद्भुत चीज है, ये मन के अंदर ये शक्ति है कि मन पूरे अंदर तक जाएगा, ये आपने जो आदेश दिया उसको लेके रात भर काम करेगा, वो काम करके अंदर तक जाके पूरा पता लगाएगा इसका क्या क्या संबंध है, कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन है, सारे तिजोरी में देखेगा। देखने के बाद बोलेगा ऐसे करने से तुम्हारे लिए ठीक है, ये ठीक है, ऐसा करके वो लाके खड़ा कर देखे क्या क्या कमाल करता है। इसको कोई अपने अंदर आत्मा की वाणी समझते हैं, कोई भगवान की वाणी समझते हैं, ये सब भी समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, किंतु ये इस प्रकार काम करता है। इसीलिए और आदेश देते समय कभी भी आप कोई निर्णय नहीं लेना है, मुझे सुबह उठ के ऐसा करना है, निर्णय लेना ये ध्यान देना। सोने के पहले जब आप विचार करते समय
फ्री छोड़ना है उस सॉल्यूशन को, इसका जैसा भी निर्णय होगा बाद में देखा जाएगा, इस प्रकार सोचना है। ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठ करके ये करूंगा, ये निर्णय दे करके फिर मन को आदेश देने से फायदा नहीं, क्योंकि वो निर्णय ऑलरेडी आपने दे दिया तो फिर मन काम नहीं करेगा। ऐसे फ्री छोड़ना, ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको इसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और इसको हम सॉल्यूशन चाहते हैं, ऐसा फ्री छोड़िए तो जरूर मन काम करेगा। क्योंकि मन शांत होते होते आपके अंदर आत्मा के गहराई तक जाता है और वो भगवान के साथ एक होता है, वहाँ पूरे आपके कर्म फल के साथ कुछ संबंध करता है, वासना के द्वारा वहाँ जाएगा, इसलिए उसको पता चलेगा कि वहाँ अभी ऐसा काम है, ये इसको तो हो जाए और वो बिल्कुल सत्य भी निकलता। तो ये सभी कुछ काम तभी हो सकता है दिन भर आपके मन शांत रहे, और जैसे इन्हें चित्त परिकर्म बोला था, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम इत्यादि से, इस प्रकार की भावना मन में हमेशा बने रहे, आपके मन प्रसन्न रहे, तब ये सारे टेक्निक काम करेंगे। पूरे विक्षिप्त तो मन को नहीं कर सकता, आपका बीमार है पूरे बीमारी के बारे में सोचे तो तब सब नहीं चलेगा, ये सब कोई चीज काम नहीं करेगा, इसलिए शांत मन होना आवश्यक होता है। इस प्रकार निद्रा आलम्बन ज्ञान के लिए अभ्यास करिए, स्वयं आपको अनुभव हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया है। अब बोलता है बहुत कुछ आपने बता दिया, सब जो है ऊपर की बात बता रहे, कल कई लोगों को कहना था कि जो आपने बताया सब ऊपर की बात हो गई, हमारा कुछ पकड़ में नहीं आया, तो वो तो हमको पहले से मालूम है कि कितना पकड़ में आएगा, हम कोशिश करते हैं जितना पकड़ में आए उतना ही बोले, फिर भी कहीं कहीं अवस्था आ जाती है तो कल बोल जाए कि कोई किसी को समझ में आ गया हो, किसी को नहीं आया, क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बिल्कुल नई प्रक्रिया है, हमारे जो पहले के समझ है उससे अलग है, इसीलिए कहा नया पकड़ना मुश्किल होता है। जो लोग सांख्य शास्त्र को अध्ययन किया है उनको ये जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि सांख्य शास्त्र की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है और फिजिक्स से जुड़ा हुआ, जो फिजिक्स और फिजियोलॉजी और ये सब जानते हैं उनको भी जल्दी समझ में आएगा ये, क्योंकि ऐसे ही इसकी प्रक्रिया बता रहे, और बाकी जो है वो है तो इधर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके वो धीरे धीरे आपको आने के लिए, इसलिए प्रतिदिन हम पूछ रहे हैं कि जिसको कोई शब्द समझ में आया नहीं आया वो पूछें, और कोई अभिप्राय समझ में नहीं आया वो भी पूछें, और उसके लिए अलग हम समय भी रखा है, उसके लिए भी चर्चा करेंगे। अब बोलते हैं कि बहुत आप अंदर की बात बोलने से नहीं होता, इस विषय में करो वैसा करो वैसा करो, बहुत कुछ बोल दिया, तब उन्होंने बोला इन सबसे हमारा तात्पर्य नहीं, आपको जो चीज पसंद आए उसी में ध्यान करो, जो चीज आपको पसंद में है उसमें ध्यान करो, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो चित्त को उसमें स्थिर करके अभ्यास करने का, पहले उसमें स्थिर करो, बाद में हटाने की बात में करेंगे, पहले स्थिर करना सीखो, और स्थिर करके उसी काम को पहले करो, तो करके तब एक तत्व अभ्यास को करो, फिर उसके बाद चित्त प्रसन्नता के लिए जो जो का चाहिए उसको करो, वो सब भी करो, तो उसको करने पर अपने आप उसमें से विरक्त हो जाए। अभी देखिए कोई भी वाक्य विषय है उस विषय पर यथार्थ में यदि आप ध्यान किया तो बाह्य विषय के राग अपने आप निकल जाते, इसलिए वो ऐसा कह रहे, ये लोग सोचते हैं, उन्होंने कहा कुछ भी ध्यान करो तो हम जो है सिनेमा दे करके ध्यान करेंगे, सिनेमा में बहुत एकाग्रता मिलती है, इसका मतलब नहीं है। उसमें ध्यान करने में आपको तीन चीजें याद रखना है, एक तो वो जिस विषय में आप ध्यान करेंगे उसमें अनेक आकारता नहीं होनी चाहिए, अनेक वृत्तियों का मिश्रण नहीं होना चाहिए, तब तो ध्यान नहीं है, इनके प्रकार का ध्यान नहीं, एक वृत्ति एक आकार में होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, उस ग्राह्य विषय का नाम रूप आदि से अलग सूक्ष्म तत्व का भी भान आपको होना चाहिए। अब देखिए सूक्ष्म तत्व में आप आ गया तो फिर वो रहेगा क्या, नहीं रहेगा, इसको समापति में बताएंगे। और तीसरी बात यह है उसके जो निश्चय बुद्धि है उससे प्रसन्नता आपको प्राप्त होनी चाहिए, प्रसन्नता प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए कोई घटना ऐसे याद करे जिसमें आप ध्यान करते करते दिमाग गर्म हो जाएगा वो अभिमत नहीं। तो यथा अभिमत ध्यानाद्वा यथा
यथा अभिमत ध्यानाद्वा, यथा अभिमत का ध्यान से भी हो सकता है। यहाँ ध्यान शब्द का प्रयोग किया तो ध्यान का लक्षण आगे कहेंगे। तत्र प्रत्यय एकतानदा ध्यान, प्रत्यय को निरंतर आवृत्ति करना ध्यान है। तो यहाँ सामान्य रूप में अर्थ लिया है, उस विशेष अर्थ की बात नहीं है। ध्यान का मतलब उसमें स्थिर करो, चित्त को उसी में लगा दो। तो यथा अभिमद ध्यानाद्वा, अभिमद मने हमारे इष्ट, जो इष्ट है उस पर ध्यान करो, ध्यान करके चित्त को एकाग्र करो। तब क्या बोलते हैं कि लब्ध स्थितिगम अन्यत्रापि स्थितिपदम लभदे। तो इसका क्या उद्देश्य है सूत्रकार का, बोलते हैं जिसमें अभिमद में ध्यान किया तो अभिमद में ध्यान करना आसान होता है, और उसमें मन एक बार लब्ध स्थिति हो गया, उसमें उसको स्थिति प्राप्त हो गई, एकाग्रता प्राप्त हो गई, निश्चलता प्राप्त हो गई, तो अन्यत्रापि स्थितिपदम लभदे, वो अन्यत्रापि करने में सरल हो जाएगा, वो अन्यत्रा भी वो करेगा इसे, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया, एक में स्थिर करके अभ्यास हो गया। तो एक में स्थिर करके आप अभ्यास करिए, बाद में अपने आप दूसरे में भी प्राप्त होगा, ये इनका कहना। अब यहां तक अलग अलग विकल्पों से लेकर के आपके चित्त एकाग्र कैसे किया जा सकता है, वृत्ति को कैसे रुका जा सकता है, इसके लिए सब बताया, जो मुख्य अभ्यास वैराग्य के अंतर्गत ईश्वर प्रणिधानात और प्राणायाम और ये चित्तालंबन आदि के लिए सब कुछ बता। तो इसमें तात्पर्य यही निकलता है कि आपका चित्त कोई भी विषय में पूरी तरह स्थित हो जाए, वृत्ति को छोड़ करके उसमें स्थित हो जाए, इतने ही इतने जो कुछ बताया उससे तात्पर्य। यदि वो सात्विक विषय है तो उसके सात्विक भावना उत्पन्न होगी, जैसा वीतराग विषय बा चित्तम ये बोला, इस प्रकार से भावना है तो उस प्रकार की भावना उसमें उत्पन्न। तो ये ध्यान रखना। बोलता है अभी आगे बोल रहे हैं कि इसके चित्त को ध्यान करके ले जा करके इस प्रकार अभ्यास करने के बाद चित्त में हमारे पूरे समाधि प्राप्त करने की स्थिति आ गई या नहीं आई, ये हमें कैसे पता चले, इसका क्या प्रमाण है, इसको पता चलने के लिए कुछ कारण चाहिए। तो किससे, जो कि आपको मालूम हो जाएगा अभी हमारा चित्त किसी भी विषय में एकाग्र करने के लिए तैयार।